तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम डायरेक्ट टैक्स को कैसे डाउनलोड करें अपने पीसी में। तो उसके लिए हमें सिंपल सा अपने यूसी ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे कि हमारा यूसी ब्राउज़र यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो हमें यहाँ पे सर्च करना है गूगल पे माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड। तो जैसे हम इसको सर्च करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे साइट आ जाएगी। तो हम इस साइट को करना है यहाँ से ओपन माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड सेंटर। तो जैसे कि हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो हमें यहाँ पे सिंपल अपने विंडोज़ को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम विंडोज़ के लिए हमें डायरेक्ट टेक्स डाउनलोड करना है, तो हम विंडो को सिलेक्ट कर लेंगे। और विंडोज़ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें सर्च बार मिल जाएगा। तो हमें सर्च बार में हम सर्च करेंगे यहाँ पे। तो पहले सर्च बार पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हम सर्च करेंगे डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एंड यूज़र। जैसे हम इसको यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट ऐसे शो होंगे। तो हमें जैसे रिजल्ट शो होते हैं, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। और इसको क्लोज करने के बाद जैसे हमारे पास इंटरफेस शो आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डाउनलोड डायरेक्ट टैक्स एंड यूज़र। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। तो इस इंटरफेस को ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें इंग्लिश और इसको डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड होने के बाद ही हमारे यहाँ पे डाउनलोडिंग आ चुका है। मैंने इसको पहले डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे अपने डाउनलोडिंग फोल्डर में आ जाते हैं जहाँ पे हमने इसको डाउनलोड किया था। तो डाउनलोड होने के बाद हमें सिंपल इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है अपने पीसी में। जैसे ये रहा हमारे पे डायरेक्ट टैक्स, तो हम इसको यहाँ पे ओपन करेंगे। परमिशन को अलाउ करने के बाद हमारे पास ये लिखा है एक्सेप्ट करके, और इसको नेक्स्ट कर देंगे और ये हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने पहले से इंस्टॉल किया, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।